आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, आई एम ज़ैनब अरशद एंड वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम ज़ू 510 का टॉपिक नंबर 2 जो है हमारे पास स्पीशीज सिलेक्शन, ये पढ़ेंगे। अच्छा, स्पीशीज जो सिलेक्शन है ये किसके लिए, यानी अगर कोई भी एक्वा कल्चर की शक्ल जो है हमें कोई फार्म बनाना चाहता है, ठीक है, कोई प्रोडक्शन हाउस जो है फार्मिंग हाउस बनाना चाहता है, तो उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए सबसे पहले जो है स्पीशीज सिलेक्शन की जाएगी। स्पीशीज सिलेक्शन का मतलब ये है कि अगर फ़र्ज़ क्या आप फार्म बनाना चाहते हैं, कोई फ़िश फार्म बनाना चाहते हैं, और टिलापिया अगर फ़िश का आप फार्म बनाना चाहते हैं, तो आपने देखना है कि टिलापिया की कौन सी स्पीशीज जो होगी वो आप उसकी फार्मिंग करेंगे, ठीक है। अब जो इकोनॉमिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो ज़्यादा बेनिफिशियल है, ज़ाहिर सी बात है आप वही उसको कल्चर करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, सबसे पहले है प्रोड्यूसर्स एक्सपर्टीज़, यानी जो फार्म बना रहा है, जो प्रोड्यूसर है फार्मिंग डेवलप कर रहा है, वो क्या होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए, यानी उसे ये काम आना हो ज़रूरी है, ठीक है, उसे इस काम की समझ हो, वो इस काम में एक्सपर्ट हो, ताकि वो जो है फार्मिंग को अच्छे से चला सके। दूसरा जो फैक्टर है यहाँ पे वो है वाटर सप्लाई एंड क्लाइमेट। यस, वाटर सप्लाई जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक्वा कल्चर का मतलब यही है कि वाटर सप्लाई की मौजूदगी में, यानी वाटर की मौजूदगी में ही मुख्तलिफ स्पीशीज़ को, एनिमल्स को जो है कल्चर करना, ग्रो करना, रिप्रोड्यूस करना, तो इसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्लाइमेट, यानी जो इन्वायरमेंटल सीजनल जो फ्लक्चुएशंस हैं, चेंजेस हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मौसमियाती तब्दीलियाँ भी उस पर इफ़ेक्ट करेंगी। स्पीशीज़ बायोलॉजी, यानी जो स्पीशीज़ आप जो है कल्चर कर रहे हैं, फार्मिंग जिसकी कर रहे हैं, वो उस स्पीशीज़ की आपको ओवरऑल जो एनाटॉमी है, बायोलॉजी है, वो पता होनी चाहिए, ठीक है, कि ये चीज़ को जो है कौन सी चीज़ खाने से, कैसी खुराक खाने से ये ग्रो करती है, कैसी खुराक इसके लिए ठीक नहीं है, और कौन सी खुराक और कितना पानी और कितना खुराक जो है इस स्पीशीज़ को देना ज़रूरी है इसको मेंटेन रखने के लिए। नेक्स्ट है मार्केटेबिलिटी। मार्केटेबिलिटी का मतलब ये है कि जो चीज़ आप फार्मिंग करें उसको आप मार्केट पे ले कर आओ, ठीक है, उसकी डिफरेंट जगह पे उसकी मार्केटिंग करो, लोगों तक वो पहुंचाओ प्रोडक्ट के, हमने ये प्रोडक्ट बनाया है तो ये ऐसे हम लोग इसके ये बेनिफिट्स हैं, ये इकोनॉमिकली ऐसे यूज़ होगी और इसका ये फ़ायदा है, ठीक है। प्रोडक्शन मेथड्स, यानी जो चीज़ आप जिसकी फार्मिंग कर रहे हो, फिशेज की फार्मिंग कर रहे हो, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्रोडक्शन हासिल करने के आपको मेथड मालूम होने चाहिए, ठीक है, यानी कौन सी खुराक देंगे तो ज़्यादा जो है इसकी जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होगी, ये हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा, और किस चीज़ के कौन कौन से मेथड हैं, और कौन कौन सी इन्वायरमेंटल जो कंडीशंस है वो इनको देनी है, कितना पानी देना है, ये वगैरह जो सारी चीज़ें यानी प्रोडक्शन मेथड्स में आती हैं, किस मेथड से आप इनको मोस्टली जो है ग्रो करवाते हो। आगे ये प्रोडक्शन मेथड जो है हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स, यानी इकोनॉमिक्स का मतलब ये है कि माली फ़ायदा हासिल करना, ठीक है, जो चीज़ आपने प्रोडक्ट की है, बनाई है, फार्मिंग जिस चीज़ की है, उसको आप इकोनॉमिकली कैसे ले रहे हो, कितना आपको फ़ायदा हो रहा है, और कितना उसको आपके मुआशी के हवाले से आपके मुल्क को फ़ायदा हो रहा है, और उसकी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कितनी ज़्यादा है, यानी इकोनॉमिकली वो कितनी मज़बूत है, उसको बना मज़बूत अपने खुद बनाना होता है प्रोडक्शन उसकी कार के। तो ये इसमें कुछ फैक्टर्स थे जो आपको जो है ज़बानी इनके नेम जो है याद रखने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट है जो कि कॉमनली कल्चर्ड फिशेज़ हैं, जो हम खुद फार्मिंग फिशेज़ हैं, फिश की फार्मिंग में खुद फिशेज़ जो हैं कल्चर करते हैं, फार्मिंग जिनकी करते हैं वो डिफरेंट हैं, उनकी ये नेम लिखे हुए हैं। फर्स्ट वन है फूड फिश, ठीक है, फूड फिश में कौन कौन सी है, वो फूड फिश है जो एडिबल है फिशेज़, ठीक है, जिनको हम खाते हैं, उनकी फार्मिंग करना और फिर उनको बेचना, उनकी तजारत करना वगैरह में, जैसा कि मैनी स्पीशीज़ लाइक कैट फिश हैं, ठीक है, टिलापिया है, रेनबो ट्राउट है, अटलांटिक सैल्मन है, श्रिम्प, शेल फिश, स्ट्रिप बैस एंड अदर्स, ये मुख्तलिफ इकसाम की जो इन्होंने लिखी हुई है फिश, ये इनके नाम है जो कि फूड फिश के तौर पर काम आती हैं। नेक्स्ट है बैट फिश। बैट फिश में हम देखते हैं कौन कौन सी हैं, जैसे मिनहाउस हैं, शाइनर्स हैं, गोल्ड फिश हैं, ये भी बैट फिश के नाम है, ठीक है। और नेक्स्ट है ऑर्नामेंटल फिश, यानी कि हम जो सजावट के लिए अपने घरों में रखते हैं फिशेस को, छोटे छोटे फॉर्म्स में, वो ऑर्नामेंटल जो इनके बॉक्स होते हैं उनमें, जैसे कि एक्वेरा है बैकयार्ड पॉन्ड्स में, ठीक है, बैकयार्ड पॉन्ड्स में हम फिशेस जो होती हैं वो
खूबसूरत कलर की ऑर्नामेंटल फिशेज़ होती हैं। नेक्स्ट है नेचुरल स्टॉक इन्हांसमेंट, ठीक है। नेचुरल स्टॉक इन्हांसमेंट का मतलब यह है कि जो कुदरती तौर पर फिशेज़ बहुत ज़्यादा मकदार में पाई जाती हैं उनको और इन्हांस करना और उनकी प्रोडक्शन करना और उसकी ट्रेड करना, तिजारत करना, उससे फ़ायदा हासिल लेना, वो है सैल्मन है, ट्राउट है, ब्लैक सी बेस है, रेड ड्रम है और मैनी अदर्स। इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है इसकी किस्म पाई जाती है, वो मैं आपको यहाँ पर जो है वो दिखाती हूँ। अगर आपको यहाँ पर नज़र आए, ये देखें, ये मुख्तलिफ़ इकसाम की जो है आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। इस वीडियो में ये सैल्मन है, ठीक है, आपने अभी देख, ये पीछे पड़ी है, सैल्मन है, ये कैट फिश है, ये क्रैप है। तो ये मुख्तलिफ़ जो इकसाम की फ़िशेज़ हैं वो इन्होंने यहाँ पर मैंशन की हुई हैं। नेक्स्ट भी यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये बैट फिशेज़ इसमें इंक्लूड हैं, रेड फिश है, ब्राउन ट्राउट है, ये अल्टेनिक सैल्मन है जो हमने पीछे पड़ी है, ठीक है, रेड फिश है, रेनबो स्मॉल स्मेल फिश है, ब्लॉक सी फिश है। ये इनकी शेप तकरीबन सेम सेम है, बस इनकी स्पीशीज़ में डिफरेंस होता है। नीचे आप ये भी देख सकते हैं कि ये है मिनहाओ फिशेज़, ठीक है, जो हमने अभी पीछे देखी थी। तो ये उनकी मुख्तलिफ़ इकसाम है, आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पर। और ये हैं एक्वेरियम फ़िश, यानी जो कि हम सजावट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, ऑर्नामेंटल जो एक्वेरियम फ़िशेज़ हैं ये उनकी है। अक्सर आपने एक्वेरियम जो बैकयार्ड पूल्स हैं छोटे छोटे उनमें देखे होंगे इनको। तो ये जो मुख्तलिफ़ इकसाम की जो हमने पीछे पढ़ी ये उनकी पिक्चर्स थी, ताकि आपको मैंने इसलिए दिखाई कि आपको अच्छे से ये जहन नशीन हो जाए। नेक्स्ट है कॉमनली कल्चर्ड क्रस्टेशियंस। क्रस्टेशियंस कौन से हैं, ठीक है, जोरदार टांगों वाले क्रस्टेशियंस भी होते हैं ना इसमें मौजूद, तो वो हमने देखने क्रस्टेशियंस कौन से हैं। इनमें मैरीन श्रिम्प है, फ्रेश वाटर श्रिम्प है, ठीक है, श्रिम्प की दो किस्म होते हैं जो मैरीन में रहते हैं और फ्रेश वाटर रहते हैं, क्रैब्स हैं, क्रेफिश है, लोबस्टर है, ब्राइन श्रिम्प है। ये मुख्तलिफ इकसाम हैं क्रस्टेशियंस की। अगर आपने ये क्रस्टेशियंस भी मेरे पास मौजूद है, आप इनकी पिक्चर्स मैं आपको दिखाती हूँ। जी ये देखिए लोबस्टर्स, ठीक है, लोबस्टर आपको नज़र आ रही है, ये एडिबल लोबस्टर है, ठीक है, मार्केट में इसकी इकोनॉमिकली भी हम इसे यूज़ करते हैं, मार्केट में सेल भी होता है, ये लोबस्टर है। और ये भी क्रेफिश है, ये क्रेफिश है, ठीक है, ये क्रेफिश आपको नज़र आ रही है, लोबस्टर था और ये क्या है, क्रेफिश है, ठीक है, जो इकोनॉमिकली हम इसको क्या करते हैं, इसकी फार्मिंग कर सकते हैं, कल्चर कर सकते हैं इसके। और ये क्रैब है, ठीक है, ये क्रैब भी आपको क्रस्टेशियन है, ये देखिए इसकी जोरदार टांगे मौजूद है। और ये ब्राइन श्रिम्प है, ठीक है, ब्राइन श्रिम्प भी आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी। और ये है एब्लॉइन, ठीक है, एब्लॉइन भी ये एक ये है गैस्ट्रोपॉड्स मोलस्कस है, ये आपको इसकी भी हम जो है मुख्तलिफ इकसाम जो है उसकी हम करते हैं कल्चरिंग। तो ये डिफरेंट पिक्चर्स थी, ये पिक्चर्स इसलिए दिखाई ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो और आपको अच्छे से ये जहन नशीन हो जाए। तो ये कॉमन कल्चर्ड क्रस्टेशियंस हमने देख लिए। आगे है कॉमनली कल्चर्ड मोलस्कस कौन से हैं। जी मोलस्कस जो होते हैं शेल वाले ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, बहुत जो इनका एक्सटर्नल एक्सोस्केलेटन होता है वो शेल पर मुश्तमिल होता है और इंटरनल ये बहुत सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं। जैसे ये क्लम्स हैं, ठीक है, ये क्लम्स हैं, ये ऑस्टर्स हैं, मसल्स हैं और एब्लॉइन जो भी मैंने आपको दिखाया और अर्चिन्स, ये नीचे आपको नज़र आ रही हैं, ये क्लम्स थे, ठीक है। और ये हमारे पास है ऑस्टर्स हैं जिनमें सीप, जिसमें से मोती भी निकलते हैं, सीप वाले मोती, ठीक है। ये वाला हमारे पास है मसल्स हैं और ये हमारे पास चिन्स हैं। और एब्लॉइन जो है वो मैंने आपको पिक्चर में पीछे यहाँ पर ये दिखाया था, ये एब्लॉइन है, ये भी गैस्ट्रोपॉड मोलस्कस की एक इकसाम है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पर इतना समझ आ गया होगा। एडिशनल जो है कल्चर्ड ऑर्गेनिज़म्स हैं जो हम एडिशनली खुद कल्चर ऑर्गेनिज़म को कल्चर करते हैं, वो है सीवीड। सीवीड जो है ये एक ये क्या है कि प्लांट है, एनिमल्स है, जो कि प्लांट है सॉरी, जो कि फूड किसके लिए ये यूज़ करती है, किस लिए हम बनाते हैं, फॉर एब्लॉइन। एब्लॉइन जो है उसकी गैस्ट्रोपोडा जो मोलस्कस है क्रैब है उसके लिए हम क्या करते हैं, सीवीड जो है वो ग्रो करवाते हैं। इससे हमें एब्लॉइन के लिए फूड के तौर पर काम होगा, साथ इससे हमें क्या मिलेगी, एक्सट्रैक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर विटामिंस, ठीक है, इससे हम न्यूट्रिएंट्स भी निकाल सकते हैं और विटामिंस भी हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है कोरल स्पॉन्जेस एंड सी प्लांट्स, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये भी आपको नजर आ रहा है, ये कोरल्स हैं, ठीक है, यहाँ पर ये हमें कोरल्स नज़र आ रही है, एक्वेरियम ट्रेड में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो कोरल स्पॉन्जेस और सी प्लांट्स जो है इसका हमारे पास क्या इस्तेमाल है, इनको हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, एक्सट्रक्शन ऑफ मेडिसन, यानी इनसे हम अदवियात तैयार करते हैं, एक्वेरियम ट्रेड यानी समंदरी तजारत में ये यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है लाइव रॉक, ये लाइव रॉक आपको नज़र आ रही है, तो ये क्या है, बेसिकली लाइव रॉक के अंदर मैक्रो
और माइक्रो लाइफ एग्जिस्ट होती है। ये एक मजमुआ है मैक्रो और माइक्रो लाइफ का, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो इसके अंदर मौजूद होते हैं, और ये सारे जो हैं बेसिकली ये लाइव रॉक किसके लिए यूज़ होती है, एक्वेरियम ट्रेड, यानी ये भी तजारत में इस्तेमाल की जाती है बेसिकली। नेक्स्ट है स्टेटस ऑफ एक्वा कल्चर, यानी एक्वा कल्चर का अभी जो निज़ाम चल रहा है उसमें इसका स्टेटस क्या है, ये कहाँ पर है, इसकी जो है कितना ये वाला जो फील्ड है आगे जा चुका है, कितनी इसने ग्रोथ की है, कितना इसका जो है प्रोडक्शन हाउस है और कहाँ तक इसके फ़ायदे हैं। एक्वा कल्चर इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर विद अप्रॉक्सीमेटली एनुअल ग्रोथ ऑफ रेट ऑफ 10%। इसकी जो एनुअल ग्रोथ रेट है एमसीक्यूज आ सकता है वो कितनी है, 10% है, ये आपने एमसीक्यूज याद कर लेना है। और करंटली एक्वा कल्चर काउंट फॉर 25% ऑफ ऑल सी फूड कंज्यूम्ड इन यूएस। अब यूएसए में लोग क्या करते हैं, सी फूड खाते हैं ना, समुद्री खाना खाते हैं, समुद्री जानवरों पर मुश्तमिल जो खाना होता है वो खाते हैं, तो उनकी जो समुद्री फूड है, सी फूड है, उसकी फूड का ये तकरीबन 25% हिस्सा बनाते हैं, एक्वा कल्चर जो है वो काउंट होता है, ये आपने अपने एमसीक्यूज के याद रखना है। परसेंटेज इज़ वेरी लो इन पाकिस्तान, अबाउट 2 kg अगेंस्ट वर्ल्ड कंसम्पशन अबाउट 16 kg। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में एक्वा कल्चर एज ए फूड जो है कम ही यूज़ होता है, यहाँ से इस ये तजारत होकर बाहर ही जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें मौजूद हैं, एनिमल्स मौजूद हैं, वो उसको जो यूएसए वाले लोग हैं वो ज़्यादा शौक से खाते हैं, चाइना वाले लोग ज़्यादा शौक से खाते हैं, तो यहाँ से वो एक्सपोर्ट होके जाती हैं, तो जिसकी वजह से पाकिस्तान को इकोनॉमिकली फ़ायदा होता है। तो पाकिस्तान में बेसिकली इसकी जो खुराक है, जो खान फूड में यूज़ हो रहा है, वो तकरीबन 2 kg है अगेंस्ट दी वर्ल्ड कंसप्शन, वर्ल्ड ओवरऑल इसको 16 kg जो है एक टाइम पे यूज़ कर लेती है। तो वर्ल्ड एक्वा कल्चर प्रोडक्शन क्या है, इन 2000 में जब इन्होंने स्टेटिशियल डेटा निकाला, यानी इसका अप्रोक्सीमेटली देखा कि कितना ज़्यादा ओवरऑल वर्ल्ड में इसकी प्रोडक्शन हो रही है, यानी इन द वर्ल्ड जो ओवरऑल एक्वा कल्चर का जो वे प्रोडक्ट बनते हैं बाय वेट, ठीक है, अगर उनका वेट देखा जाए तो वो कितना था, 45.51 मिलियन इनका बाय वेट जो प्रोडक्शन है वो हमें हासिल होती है, और ये इक्वल किसके है, अगर यूएसए में इस डॉलर में इसकी प्राइस देखें तो 56.47 बिलियन डॉलर, यानी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है, इकोनॉमिकली इससे फ़ायदा होता है प्रोडक्शनल इसकी देखें तो। चाइना इज़ द लार्जेस्ट एक्वा कल्चर प्रोड्यूसिंग कंट्री इन दी वर्ल्ड, ये एम सी क्यूज़ है आपके लिए, ठीक है, कि एम सी ये हमने देखा कि हिस्ट्री में भी देखा था हमने कि हिस्ट्री जो है एक्वा कल्चर की फार्मिंग की कहाँ से स्टार्ट हुई थी, चाइना से, तो चाइना में सबसे ज़्यादा एक्वा कल्चर प्रोड्यूसिंग होती है क्योंकि वो ज़्यादा सी फूड खाने वाले चाइना में लोग हैं, चाइनीज़ जो होते हैं वो सी फूड ज़्यादा खाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक प्रोपोर्शन बना हुआ है, एक अप्रोक्सीमेटली अकाउंट दिया हुआ है इन्होंने, प्रोपोर्शन ऑफ टोटल एक्वा कल्चर प्रोडक्शन फॉर डिफरेंट टैक्सोनॉमिक ग्रुप। अब ये जो ग्रुप्स इधर लिखे हुए हैं, लिखा हुआ है क्रैप्स लिखा हुआ है, ठीक है, क्रैप्स जो है उसकी कितनी ज़्यादा हम आर्टिफिशली कर रहे हैं, फार्मिंग बना के उसकी प्रोडक्शन कर रहे हैं, यानी इतनी ज़्यादा, यानी 50% से या आप कह रहे हैं 45% जो है वो क्रैप की प्रोडक्शन हो रही है फार्मिंग के अंदर, तो इसके अलावा जो मुलस्कस हैं वो इतने परसेंट हो रहे हैं, मुकलम्स जो हैं वो इतने परसेंट हो रहे हैं, ठीक है, मुसल्स जो हैं वो इतने परसेंट हो रहे हैं, ऑयस्टर्स यानी सीपियाँ और दूसरे श्रिम्प्स वगैरह, ट्राउट और क्रस्टेशियंस की, ये सारी जो है ओवर आप उन्होंने ग्रेडिंग स्कीम बताई हुई कि कितने कितने परसेंट कौन सी चीज़ जो है वो अभी जो है उसकी फार्मिंग हो रही है और वो इकोनॉमिकली हमारे प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो क्रैप्स हैं, ठीक है, क्रैप्स जो हैं, कॉप्स जो हैं, ये इनकी प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऑल ऑफ दिस, ठीक है, इनकी प्रोडक्शन ज़्यादा, इसका मतलब है इसकी ट्रेड सबसे ज़्यादा होती है, ये इकोनॉमिकली ज़्यादा बेनिफिशियल है, इसकी तजारत ज़्यादा होती है, तो इसकी वजह से इसकी प्रोडक्शन भी कम सॉरी ज़्यादा है सबसे। तो क्लम्स है और बाकी भी मैरीन फिशेज़ हैं, सलमन और ट्राउट्स हैं, तो ये सारी फिशेज़ का उन्होंने एक चार्ट बनाया हुआ था। तो ये आपने यहाँ तक जो है इसको अच्छे से रीड आउट कर लेना है, एम सी क्यूज़ भी कर लेने हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है वो नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगी, अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।